फेस्टिवल सीजन के चलते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को गनौर शहर की 3 दुकानों पर छापेमारी कर मिठाई के सैंपल बरामद किए। शहर में छापेमारी की सूचना के बाद मिष्ठान भंडार संचालकों में हड़कंप मच गया। त्योहारी सीजन पर मिलावट करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान के तहत मिठाई की 3 दुकानों पर जाँच की गई। इस कार्रवाई के दौरान गुप्तचर विभाग की टीम भी साथ रही। CM फ्लाइंग से SI सुनील कुमार अपनी टीम व खाद्य सुरक्षा विभाग से डॉक्टर जोगेंद्र की टीम की ओर से की जा रही छापेमारी की सूचना के बाद कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद कर चले गए। वहीं जिस दुकान पर टीम पहुंची, दुकान संचालक सिफारिशों में जुट गए, लेकिन टीम ने सब बातों को अनसुना करके सैंपल लेते रहे। FSO डॉक्टर जोगेंद्र ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के साथ मिलकर गनौर शहर में शुद्ध मिठास बीकानेर व श्री हरि की दुकान पर छापेमारी कर पनीर व मिठाई के सैंपल भरे हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा। करीब 20 से 25 दिनों में रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग गए, लेकिन फेस्टिवल में उनकी जाँच लगातार जारी रहेगी। यहाँ लगाओ सर, सैंपलिंग हो चुकी है। सबसे पहले हमने मीठा स्वीट से लिया है, वहाँ पर जोधपुरी लड्डू और मीठा मावा लिया है। फिर बीकानेर स्वीट से लिया है, बीकानेर स्वीट से हमने गुलाब जामुन लिया था। इसके बाद हमने श्री हरी से 2 सैंपल लिए, येलो चमचम और पनीर। सर अभी जैसे जो फेस्टिवल चल रहा है, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? सर इनकी रिपोर्ट 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगी। सर आपका रहता है कि मिलावटी मिठाई नाम के बाजार में, लेकिन आप सैंपल जो भरते हैं, इसकी रिपोर्ट है तो फेस्टिवल के बाद आएगी, दिवाली के बाद? कब तक तो मिठाई मिल चुकी होगी? सर इसमें ये है कि कोई भी अपराध होता है उसके बाद ही किसी भी कानून में सजा का प्रावधान है। हम किसी को पहले ये नहीं कह सकते कि इसकी मिठाई में, जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती, हम किसी की मिठाई के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि भाई फेस्टिवल में मिठाई ना बिके मिलावटी, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो वो बाद में आएगी, तो उससे पहले बिक चुकी होगी मिठाई? सर ये तो देखो कानून का प्रावधान है जी, और विदाउट अगर सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम किसी दुकानदार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सर सामने आ रहा है कि एक फर्जी कोई इंस्पेक्टर बन के घूम रहा है दुकानों पे, इस पे तो उस पर क्या चाहिए? सर इस बारे में मैं कोई, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है और किसी दुकानदार ने इस बारे में मेरे को कोई, अगर कोई जाता है तो क्या अपील करेंगे? सर मैं दुकानदारों से एक अपील करूँगा, सर सबसे पहले जाते ही वो अपना ID प्रूफ मांगे, और अगर ID प्रूफ नहीं दिखाता है तो उसके खिलाफ FIR। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।